नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मसूबकरण सहायक आचार्य ईएफएम, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर प्रथम रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता में यूनिट संख्या 5 अंतिम यूनिट के अंतर्गत, जो कि ग्रामीण विकास की विचारधारा के चैप्टर में सहकारिता की परिभाषा और इसके प्रमुख लक्षणों के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि ग्रामीण विकास के बारे में हमने तो पिछले यूनिट संख्या 4 के एक से 4 में ग्रामीण विकास के बारे में हमने चर्चा की और यूनिट संख्या 5 में, सिर्फ 5 में सहकारिता का चैप्टर सम्मिलित है। इसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम निरंतर वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो यूनिट संख्या 5 में हम सहकारिता की विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। सहकारिता किसे कहते हैं? जैसा कि आपको भी मालूम है, सहकारिता मिलके कार्य करने से है। मिलके कार्य करने का उद्देश्य यहां पर लाभ कमाना नहीं होगा, सिर्फ सेवा उद्देश्य से किया गया कार्य सहकारिता के अंतर्गत माना गया है। सहकारिता के अंतर्गत हम आपस में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके कार्य करते हैं किसी ऐसी संस्थान में जिसका उद्देश्य क्या होगा, सेवा करना होगा, न कि लाभ कमाना। यही सहकारिता की विचारधारा है। सहकारिता जब व्यक्ति मिलके कार्य करता है तो व्यक्तिगत लाभ हासिल न करके एक सेवा भावना या एक सेवा के जरिए जब कार्य किया जाता है उसको हम सहकारिता में शामिल करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की एजेंसियाँ या विभिन्न प्रकार के एनजीओ, धार्मिक स्थल, मंदिर, ट्रस्ट सम्मिलित हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति मिलके अपनी सदस्यता ले सकता है और कभी भी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। यही क्या है? सहकारिता है। सहकारिता की भूमिका के बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें कि सहकारिता क्या है। सहकारिता में प्रारंभ में सहकारिता शब्द प्रत्येक व्यक्ति भली प्रकार से इसके बारे में प्रचलित है या परिचित है। मनुष्य की सभी क्रियाओं में किसी न किसी प्रकार से सहकारिता की भावना निहित होती है। सामान्य रूप से समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सहयोग कार्य में कार्य करता है। सहकारिता का प्रारंभ मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति जंगली अवस्था में था तभी से वह आपस में सहयोग की आवश्यकता पड़ती थी। प्रारंभ अवस्था में भी व्यक्ति कठिनाइयों में सहयोग करने के साथ साथ काम करने या साथ साथ रहने की भावना को समूह बनाकर रहने भी लगा था। जब मनुष्य में जीवित रहने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो सहकारिता की भावना भी बढ़ी। इस प्रकार मनुष्य अपनी जीवन रक्षा के लिए अपने प्रतियोगियों से सुरक्षित रहने के लिए समूह में रहने लगा। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के साथ सहयोग और सहकारिता की भावना भी इस प्रकार से बढ़ी। तो आपस में परस्पर सहयोग सहकारिता के अंतर्गत शामिल किया गया। अब सहकारिता का हम अर्थ के बारे में चर्चा करें कि सहकारिता का क्या अर्थ है, जिसका मतलब है सहकारिता दो शब्द से मिलके बना है। सह प्लस कार। सह का मतलब यहां पर क्या होता है? साथ साथ। कार्य का मतलब होता है मिलकर कार्य करना, साथ साथ मिलकर
कार्य करने से है। कार्य कारिता का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मिलकर कार्य करना, वो क्या कहलाएगा, सहकारिता। तो ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। सहकारिता यूनिट संख्या 5 फिफ्थ में 3-4 चैप्टर हैं जिसमें प्रश्न आते हैं कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं, सहकारिता के प्रमुख लक्षण और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, सहकारिता के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में वर्णन कीजिए, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, सहकारिता के सामाजिक आर्थिक लाभों का वर्णन कीजिए, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, सहकारिता के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सिद्धांत से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट उपयोगी है। तो यहाँ पर सहकारिता का मतलब यहाँ पर मेन उद्देश्य निकल के ये आ गया कि मिलके या साथ साथ या मिलके कार्य करने से है, जिसका उद्देश्य सेवा व भावना रूप से कार्य करना है, जिसका उद्देश्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करने से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु। मिलकर कार्य करना सहकारिता कहलाता है। विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने भी परिभाषाएं दी गई हैं। जो वर्तमान परिवेश के हम बात करें तो पारस्परिक सहायता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी सहकारिता की इस प्रकार से परिभाषा दी गई है, जिसको हम देखें कि जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथाशक्ति सब कुछ कर लेता है, तब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पड़ोसियों से सहयोग प्राप्त करता है, वही सच्चा क्या है, सहयोग है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। और भी विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी, एम.टी. हेरिंग ने भी ये परिभाषा दी, सर होरेंस ने, सहकारिता योजना समिति ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सब यही कहते हैं कि मिलके कार्य करने से है, जिसका उद्देश्य क्या हो, सेवा भावना हो। आर्थिक हितों के वृद्धि सिद्धांत से भी इन्हें भी प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने भी और E.H. कैटवर्न ने भी कहा है कि सहकारिता संगठन का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छापूर्ण समानता के आधार पर मानव की हैसियत से अपने आर्थिक हितों के वृद्धि के लिए संगठित होते हैं। श्री V.L. मेहता भी कहते हैं कि सहकारिता उस विस्तृत आंदोलन का केवल एक पहलू है जो समान आवश्यकताएं रखने वाले, समान आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संगठित होने वाले व्यक्तियों के स्वैच्छिक संगठनों का क्या है, प्रवर्तन है। तो ये सहकारिता में, सहकारिता की अपन व्यापारिक विधि के रूप में परिभाषाओं के बारे में चर्चा करें तो श्री आर फे के अनुसार भी कहते हैं कि सहकारिता संयुक्त रूप से व्यापार के उद्देश्य से निर्बल मनुष्यों द्वारा निर्मित एक संघ है, जिसका संचालन निस्वार्थ भाव से इन शर्तों पर होता है कि वे सभी लोग अपनी सदस्यता संबंधी कर्तव्यों को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं और अनुपात में संघ का प्रयोग करेंगे, जिसका लाभों में हिस्सा पाएंगे, मतलब जिसका उद्देश्य सामाजिक सेवाओं में होगा। सेलिंगमैन भी कहते हैं, तकनीकी अर्थ में सहकारिता उत्पादन और वितरण क्रियाओं के प्रतिस्पर्धा को त्याग कर सभी प्रकार के मध्यस्थों को हटाना है, ये सहकारिता में शामिल किया गया। वैधानिक परिभाषाओं की हम बात करें तो वैधानिक परिभाषाओं में स्विट्जरलैंड के विधान के अनुसार ये कहा गया कि सहकारी समिति अनिश्चित संख्या में सदस्यों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य सदस्यों का सामूहिक प्रयत्न द्वारा आर्थिक विकास करना है। जापान के सहकारी विधान 1991 में भी ये परिभाषित किया गया कि सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है जिनका अस्तित्व वैध है, जिसमें सीमित साधनों द्वारा व्यक्ति इसलिए शामिल होते हैं कि वे सामूहिकता के हितों को कार्य करने या अपने आर्थिक स्तर का विकसित करने में उन्नत हो। इस प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं निष्कर्ष रूप से कि सहकारिता व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो स्वावलंबन, पारस्परिक सहयोग, स्वेच्छा, समानता, प्रजातंत्र प्रबंध और न्याय के आदर्शों का सिद्धांत माना गया है। यह निजी हित के संपूर्ण समाज के हित के लिए कार्य करने वाला एक सामाजिक और आर्थिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य सेवा है, न कि लाभ है। यह पूंजीवाद की भांति
अचेतनापूर्ण स्वचालित एवं समाजवाद की भांति राज्य नियंत्रण नहीं होता है ये सहकारिता में। अब हम चर्चा करें सहकारिता के लक्षणों की। तो सहकारिताओं की लक्षणों की हम बात करें, जैसा कि डेफिनेशंस के माध्यम से भी हमने जाना कि सहकारिता क्या है, सहकारिता के लक्षण। सहकारिता के लक्षण में एक सहकारिता एक उपकरण, सहकारिता एक उपक्रम है। यह एक संस्था के रूप में मान सकते हैं, क्यों, एक बिना संस्था के या बिना उपकरण के कार्य नहीं हो सकता। तो ये भी एक लक्षण है, सहकारिता एक उपक्रम है। सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है। क्या है ऐच्छिक संगठन का मतलब? यहां पर यह हुआ, कोई भी व्यक्ति सदस्यता ले सकता है, कोई भी व्यक्ति सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है, हट सकता है। तो एक स्वैच्छिक है, अपने स्वेच्छा पे विवेक पे काम करता है। एक सहकारिता संगठन व्यक्तियों का संघ है। क्या है इसकी परिभाषाओं में? व्यक्तियों का संघ है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक संघ का गठन कर सकते हैं। तो ये भी इसकी लक्षणों में सम्मिलित है कि सहकारिता एक संघ माना गया है। एक सहकारिता जनतांत्रिक प्रशासन है। जन तांत्रिक प्रशासन के रूप में भी भूमिका का निर्वहन करता है, आसानी से जनता को प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रशासन के रूप में भी क्रियान्वित है। एक न्याय पर आधारित है सहकारिता संगठन के लक्षण, न्याय पर आधारित है, जिसका उद्देश्य क्या होगा, व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित बात करना है, उसको न्याय दिलाना। एक सहकारिता संगठन समानता पर आधारित है, सबके लिए समान भूमिका का निर्वहन करना, समानता पर आधारित। तो सहकारिता संगठन सभी को समान रूप से मद्देनजर रखते हुए कार्यों का निर्वहन करता है, तो समानता पर आधारित है, ये भी इसके लक्षणों में सम्मिलित है। तो सहकारिता संगठन पारस्परिक सहयोग और एकता पर निर्भर होता है, पारस्परिक सहयोग एवं एकता पर आधारित है। तो सहकारी पारस्परिक सहयोग एकता का मतलब आपस में व्यक्ति फंडिंग करते हैं, उसके आधार पर क्रियान्वयन जिसको किया जाता है, ये भी इसके लक्षणों में सम्मिलित है। सहकारिता संगठन एक सेवा भावना के रूप में भी कार्य किया जाता है, सेवा उद्देश्य रहता है। एक व्यक्तियों के शोषण से मुक्ति, शोषण का अंत भी इसके एक लक्षणों में सम्मिलित है। सहकारिता संगठन या सहकारिता में एक शोषण का अंत होता है, व्यक्ति के हितों का अहन होने से उनका शोषण से मुक्ति भी मिलती है। एक विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में भी इसको माना जा गया है, विश्वव्यापी आंदोलन। और भी विभिन्न प्रकार के इनके लक्षण हैं, विश्वव्यापी आंदोलन का रूप भी ये ले सकता है। एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन, सामाजिक आर्थिक आंदोलन का भी ये रूप माना जाता है, जो कि सहकारिता के एक लक्षण में महत्वपूर्ण है। एक मध्यमार्ग इसमें व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता है, एक मध्यमार्ग के रूप में भूमिका का निर्वहन करता है, ये भी सहकारिता के एक लक्षणों में सम्मिलित है। एक संघात्मक पद्धति है सहकारिता संगठन में, संघात्मक आधार पे क्रियान्वयन किया जाता है, एक संघात्मक पद्धति के रूप में भी क्रियान्वित है। तो इस प्रकार सहकारिता संगठन के रूप में काम करो की भावना रहती है, कि कोई भी व्यक्ति संघ से जुड़ता है तो काम करो की भावना के आधार पर ये क्रियान्वयन रहता है, सक्रिय रहता है, कि इसका उद्देश्य व्यक्ति विशेष के द्वारा काम करने के लिए प्रेरित होता है। एक समुदाय का समग्र विकास होता है, इसमें समुदाय का समग्र विकास के रूप में भी एक सहकारिता संगठन या सहकारिता के लक्षणों में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका है। एक निर्बल व्यक्तियों का संगठन है, निर्बल व्यक्ति हैं वो क्या है, निर्बल व्यक्तियों का संगठन माना जाता है। और सहकारिता संगठन एक स्वैच्छिक
स्वैच्छिक आधार पे इसको क्रियान्वित किया जाता है। इसे अपन ये भी कह सकते हैं कि खुली सदस्यता सबके लिए क्या है, खुली सदस्यता है, कोई भी इसका सदस्य बन सकता है, कोई भी सहकारिता संगठन में सदस्यता के रूप में हट भी सकता है। तो सबके लिए क्या है, खुली सदस्यता है। पूंजी के अपेक्षा मानव पर अधिक बल देता है, इसमें पूंजी का जोर नहीं है, मानव हित पे क्या दिया जाता है, मानव पर बल ज़्यादा दिया जाता है। तो ये भी एक सहकारिता संगठन के प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है। स्वचालित संगठन, पारस्परिक सहयोग की भावना, एक सांस्कृतिक नैतिक उत्थान इसमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार सहकारिता संगठन में अनेक प्रकार के है, एक सामाजिक एवं नैतिक उत्थान भी इसमें शामिल है। तो ये सहकारिता की विशेषताएं या सहकारिता की परिभाषाएं आज हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सहकारिता के कौन कौन से उद्देश्य हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।